नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं TV24। आई नजर डालते हैं खास खबर पर। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि तीन मूर्तिकारों ने अलग अलग मूर्तियां बनाई है, उसमें से एक मूर्ति को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन तीनों ही मूर्तियां हमारे पास रहेंगी। राम लला की अचल मूर्ति श्यामल होगी, जो कि पैर की उंगली से लेकर ललाट तक 51 इंच की होगी और इसके ऊपर मुकुट व आभा मंडल होगा। टेटन की और श्यामल पत्थर की इस अचल मूर्ति को 18 जनवरी को अपने आसन पर विभाजित कर दिया जाएगा। मूर्ति की प्रतिष्ठा, इसकी पूजा विधि 16 जनवरी से प्रारंभ होगी। मूर्ति गर्भगृह में अपने आसन पर 18 तारीख की दोपहर को स्थापित कर देंगे। लगभग 1.5 टन की मूर्ति है, 1.5 टन एकदम पत्थर है, श्यामल है। विशेषता ये रखी गई है कि अगर जल से स्नान हो, दुग्ध से स्नान हो, तो पत्थर का कोई प्रभाव दूध और पानी पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस जल का आचमन कर ले तो उसका शरीर पर कोई दुष्परिणाम ना हो जाए। ऐसे ही और जानकारी के साथ बने रहिए हमारे साथ में TV24 पर। नमस्कार।